नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से समर्पण करने के लिए समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। अब वे कुछ ही देर में पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इससे पहले उनके पटियाला स्थित आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी सिद्धू से मिलने पहुंचे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी सिद्धू को फोन किया और कहा कि कांग्रेस आपके साथ है और स्ट्रांग रहिए। इससे पहले जस्टिस एम ए खान विलकर ने सिद्धू को आवेदन दाखिल करने के लिए कहा था, हालांकि चीफ जस्टिस ने विशेष पीठ के गठन की मांग करने के लिए वकील द्वारा उल्लेख करने के आग्रह को ठुकरा दिया। इसके तहत अब नवजोत सिंह सिद्धू को आज ही समर्पण करना होगा। बताते चले कि सिद्धू के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने मुवक्किल के आत्मसमर्पण के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को एक उचित आवेदन पेश करने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच के समक्ष उसका उल्लेख करने के लिए कहा था। 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेर वाले गेट के मार्केट में पहुंचे थे। मार्केट में पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल की बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहा सुनी हो गई थी। बात हाथापाई तक जा पहुंची। इस दौरान सिद्धू ने गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को 15 मई 2018 को दरकिनार कर दिया था, जिसमें रोड रेज के मामले में सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी माना था, लेकिन उन्हें जेल की सजा नहीं दी थी और 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम 1 साल जेल की सजा या 1,000 रुपए जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हाथ भी अपने आप में एक हथियार हो सकता है। अगर एक बॉक्सर, पहलवान, क्रिकेटर या बेहद तंदुरुस्त व्यक्ति पूरे झटके के साथ इसका इस्तेमाल करे, ऐसे में केवल जुर्माना लगाकर सिद्धू को छोड़ देना ठीक नहीं है। हालांकि पीठ ने पीड़ित पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा की सिद्धू की गैर इरादतन हत्या के तहत दोषी ठहराने दलील की खारिज कर दी। दलील को खारिज कर दिया। पीठ ने सिद्धू को धारा 323 का ही दोषी माना और इस अपराध के तहत दी जाने वाली अधिकतम 1 वर्ष कैद की सजा सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।